लाइव हर जुर्म का पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष अभय सिंह सोनू ने परिवहन विभाग के RI प्रमोद कुमार गौतम द्वारा समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुन्ना यादव से फिटनेस के नाम पर 5,000 रुपए घूस मांगने पर कहा कि ये प्रमोद कुमार गौतम सपा की ही सरकार में भर्ती किए हुए अधिकारी है। जब पैसे लेकर समाजवादी पार्टी की सरकार ने ऐसे अधिकारियों की भर्ती किया तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। अब उन्हीं की सरकार में पैसे लेकर भर्ती किए गए अधिकारी ने उस समय की सरकार के नेताओं से ही पैसे मांग रहे हैं। ये जो आज पैसे की मांग कर रहे हैं ये उसी सरकार के बनाए हुए अधिकारी हैं, उसी समय के। ये सपा बसपा काल से ही बना, भाजपा तो आज ना आई है, 3 साल 4 साल 5 साल से आई है, 14 के बाद आई है केंद्र में, अभी तो 17 में यहाँ पे आई है प्रदेश में। तो ये जो अधिकारी बने हैं भैया, ये पहले से सपा बसपा के ही बनाए हुए अधिकारी हैं, आज उन्हीं के बनाए अधिकारी उन्हीं से पैसा मांग रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके ही बनाए हुए गलत तरीके से भर्ती किए हुए लोग हैं, जो घूस दे के भर्ती हुए थे, आज घूस अपना निकाल रहे हैं उसी सरकार से। भैया गांव थोड़ा सा हमको चलना पड़ जाता है, जो इधर मिला हमको दाय तो जिम्मेदारी थी। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि भैया टीम खड़ा करिए, टीम के भरोसे ही चल पाएंगे, तो सही बात है। थाना इकाई नहीं होती मेरी, मेरे कार्यकर्ता नहीं होते, मेरे अपने लोग नहीं होते, तो मैं नहीं चल पाता। मैं उनके बीच में गया, उनकी बातों को सुना समझा, अपनी बातों को रखा, हिंदुत्व की बातों को रखा। इनको बेटी बचाओ वाला अभियान हमारा है, हिंदू मुस्लिम मंच मिला हम उसको, आप धर्म परिवर्तन के खिलाफ उनको वो करना है, जागरूक करना है, लैंड जिहाद का है, लव जिहाद का है। तो इस मुद्दे पर मैं उनको समझाता हूँ, जाकर जहाँ जाता हूँ तो घंटा समय लेता हूँ, थोड़ा ज्यादा बोल के समझाता हूँ या जैसे समझे वो समझाता हूँ, समझा कर उनको साथ जोड़ के लेके चलता हूँ। वहाँ से हमारे साथ टीम बढ़ती गई, आज स्थिति यह है कि जिले के हर कोने कोने से लोग जुड़ रहे हैं। इसमें बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके ब्राह्मण इस तरह जो आज कर रही हैं, इनका कारनामा तब तो लोग पहले भी देख चुके हैं। वो पहले इनका एक नारा चला था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते से यार। इन्होंने तिलक तराजू और तलवार के संबोधन में ब्राह्मण को भी लेकर उसको जोड़ के कहा था, तो ये गांधी जी उस चीज़ को भूल गई उन्होंने क्या कहा था। इतना गलत वक्त दे करके ऐसा भाषण देने के बाद आज किस समूह से वो आकर के जो है अपना लोगों को एक साथ अपनी जोड़ना चाह रही, मन फिराना चाह रही, वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ब्राह्मण समझता है इस चीज़।